12 साल पहले एक नाइन टेल्ड फॉक्स अचानक प्रकट हुआ। फोर्थ होकागे का इंतजार करो, वो आ रहा है। उसने उस शैतान को पकड़ने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। उस निंजा का नाम था द फोर्थ होकागे। तो तुमने सारी हदें पार कर दी है नारुतो। तुम मुझसे जलते हो क्योंकि मैं वो कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते हो। लॉर्ड होकागे, एक परेशानी है। ये मत कहना कि उस परेशानी का नाम है नारुतो। जी, नारुतो ही है। क्या हो रहा है नारुतो? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, तुम्हें एक और मौका मिल रहा है। जब तक ये पेंट पूरा साफ नहीं हो जाता तुम घर नहीं जाओगे। वैसे भी घर पर कौन मेरा इंतजार करते हुए बैठा है? नारुतो, अब आपको क्या चाहिए सेंसेई? जब तुम ये सब कुछ साफ कर लोगे मैं तुम्हें नूडल्स खिलाने ले जाऊंगा। अब मैं इसे एक झटके में साफ कर दूंगा। क्या तुम्हें पता है कि होकागे कौन है? मुझे पता है, वो अपने टाइम के महान शिनोबी थे, है ना? फिर तुमने ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उन सबसे ज्यादा महान बनूंगा, सब मेरा सम्मान करेंगे। अब हम फाइनल एग्जाम शुरू करेंगे। हमारा फाइनल टेस्ट होगा क्लोन जुत्सु पे। ठीक है, विश्वास रखो, क्लोन जुत्सु। फेल हो गए हो। देख वहाँ बैठा है, ये वो लड़का है जो हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। इरोका, तुम्हारा बचपन भी नारुतो की तरह ही रहा है, बिना परिवार के, बिना प्यार के। इरोका सेंसे, उठो। क्या हुआ? नारुतो भाग गया है, उसने हमारा सीक्रेट स्क्रोल चुरा लिया। नहीं, पहला वाला है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक गंभीर अपराध है। अगर वो गलत हाथों में चला गया तो दुश्मन हमें बड़ी आसानी से मिटा सकता है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अब तो चालाक है सेंसे, स्क्रोल से जुत्सु सीखने वाले को पास किया जाता है। ये तुमसे किसने कहा नारुतो? उन्होंने इस जगह का पता दिया। मिज़ुकी, बचो! खुफिया ठिकाना मिले है क्या? मैं गलत समझा था। ये क्या चल रहा है? मिज़ुकी को स्क्रोल मत देना। मैं बताता हूँ, आज तक तुमसे झूठ बोलते आए हैं। बताओ क्या है वो? इसको राज मत बताओ। तुम्हें ये जानने का हक है कि तुम्हारे अंदर नाइन टेल्ड फॉक्स कैद है। बस करो। तुम्हें कीड़ा हो। नहीं नारुतो, तुम नहीं बचोगे। नारुतो, नारुतो नीचे झुको। पर क्यों? तुम्हारा अकेलापन जानता हूँ नारुतो, अकेलापन बहुत दर्द देता है। उसने अपने माँ बाप खो दिए और अब वो दरिंदा तुम्हारे अंदर है। नारुतो, ये सब गलत हुआ, इसके अंदर का दरिंदा फिर से जाग सकता है। नारुतो, रोल मुझे दे दो। तुम्हें ये कैसे पता चला? क्योंकि मैं इरुका हूँ। दरिंदे ऐसे ही होते हैं, एक लेना वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। तुमने सही कहा, दरिंदे ऐसे ही होते हैं, पर मेरा नारुतो ऐसा नहीं है, मेहनती है, वो हर काम में जान लगा देता है। कोई दरिंदा ऐसा कभी नहीं करेगा। वो है नारुतो उज़ुमाकी। बाय बाय इरुका। नारुतो, अगर तुमने मेरे सेंसे को हाथ भी लगाया। ज्यादा मत बोल, तुझे मसल के रख दूंगा। तो चल पहले तू ट्राई कर ले शैडो क्लोन जुत्सु। क्या हुआ मिज़ुकी? मैं यहाँ पर हूँ, पकड़ो ना, यहाँ आओ। क्या हुआ? आ जाओ। इसने तो कमाल कर दिया। नारुतो, जरा यहाँ आओ। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसे अभी के अभी ढूंढ निकालना होगा। स्क्रोल सुरक्षित है सेंसे, अब और कितना इंतजार? कंग्रेचुलेशन, तुम ग्रेजुएट हो गए हो। लॉर्ड होकागे, मुझे डर है उसके सपने पूरे नहीं होंगे। हाँ,
नाइन टेल फॉक्स उसके अंदर ही है। उस भयानक फॉक्स की आत्मा को अपने नन्हे से शरीर में कैद करके नरूटो ने सबको बचाया। जे भी नरूटो को पसंद नहीं करते, वो एक जिंदा लाश बन चुका है। तुम्हें ढूंढ लिया। नाइन टेल फॉक्स। ये नफरत कई लोगों की आंखों में देखी है मैंने। अब चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। शैडो क्लोन जुत्सु, ये तो नामुमकिन है। देखो कैसे एक असली निंजा नौसिखिए को हराता है। कम ऑन बॉय, तैयार, ट्रांसफॉर्म। ये टेक्निक वो मुझ पर भी आजमा चुका है। अरे यार, हर बार गड़बड़ कर देता हूँ। तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? हाँ? अच्छा होगा अगर तुम इसके लिए तैयार रहोगे। किसके लिए? ढेर सारे आंसू और पसीना बहाना पड़ेगा। बाय द वे, होकागे बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्त। अगर तुम्हें सच में होकागे बनना है तो तुम्हें मुझे लड़ाई में हराना होगा। वैसे भी अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकता, लेकिन किसी दिन हम होकागे के टाइटल के लिए जरूर लड़ेंगे। कोनोहा मारु। वो सीख ही गया है कि निंजा बनने के लिए मेहनत जरूरी है। अब बचो नरूटो। सॉरी, आज से मैं एक निंजा हूँ, जरा देखो। सबसे काबिल नया स्टूडेंट सास्के उचिहा। नरूटो उज़ुमाकी। हाँ? इसके लिए इतनी पागल क्यों है? सास्के, सास्के। वाह, ये सच में ग्रेट। ये क्या? You are finished. आज से तुम सब एक निंजा हो। अब मैं ग्रुप्स अनाउंस कर रहा हूँ। ग्रुप 7, नरूटो, सकुरा और सास्के उचिहा। नरूटो, ग्रुप में बैलेंस बनाने के लिए एक स्टूडेंट रखे हैं। लूजर। ओए, क्या कहा तुमने? सुनाई नहीं दिया? लंच के बाद तुम अपने नए जूनियर टीचर्स से मिलोगे। क्या सरदर्द है, उसे दफा करने का कोई तो रास्ता होगा। आइडिया। नरूटो। अच्छी कोशिश थी साकुरा। आई वांट टू आस्क यू समथिंग नारुतो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम? ही इज जस्ट अननोइंग। उसको कमजोर समझना मेरी गलती थी। आई फाइनली अंडरस्टैंड। मैं भी आता हूँ। बाल बाल बच गया। मतलब अब शर्माओगे तो नहीं ना? नरूटो कहाँ है? मतलब ये है बिल्कुल अकेला। अकेला होना अच्छा नहीं होता, नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम एक सरदर्द हो। मुझे जल्दी जाना होगा, सकुरा मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं समझ सकती हूँ कि नरूटो को कैसा लगता होगा। शायद मैंने कुछ गड़बड़ खा लिया। स्माइल्स। हे नरूटो। उसकी ऐसी स्माइल तो कभी नहीं देखी। ये फिर से क्यों शुरू हो गया बेवकूफ। नरूटो इस जगह पर रहता है, देखते हैं आज वो इससे कैसे निपटता है। क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर बिताने वाला हूँ? वो लेट है। हद है, हमारे टीचर कैसे लेट हो सकते हैं? वो कर रहे हो तुम? लेट आने पर यही मिलेगा उन्हें सरप्राइज। नरूटो। ये ट्रिक काम कर गया। तुम लोगों को क्या बताऊं कि तुम लोग एक बेवकूफ हो। कल हम पहले मिशन पे जाएंगे, कुछ ऐसा जो हम चारों साथ मिलकर करेंगे, सर्वाइवल एक्सरसाइज। इस तरह की ट्रेनिंग होगी ये? सेंसे, इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात थी? मेरे अब तक के रिकॉर्ड में सिर्फ 9 ही बच्चे गेनिन बन पाए हैं। फैसला मैं करूंगा कौन पास होगा और कौन फेल। कल सुबह 5 बजे ट्रेनिंग स्पॉट पे पहुँच जाना। मैं फेल नहीं होने वाला, मैं ये करके रहूंगा, यकीन करो। तुम लोग जा सकते हो, क्लास खत्म। मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? हे, आप
ठीक है। मिशन बहुत सिंपल है, तुम्हें मुझसे ये बेल्स छीननी है, पर अगर दोपहर तक नहीं छीन पाए तो तुम्हें लंच नहीं मिलेगा। इसे मुश्किल बनाने के लिए हमें नाश्ता करने से मना किया था। तुम कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकते हो, शुरिकेन भी। स्टार्ट। हिरुका, तुम मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे? नारुतो को मैंने ग्रुप 7 में डाला है। तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? हाँ बिल्कुल। ये तो छुपे तो अच्छी जगह है। हाँ? बेवकूफ। ताइजुत्सु। अरे ये क्या है? अटैक करो, तुम अपना काम करो, मुझे मेरा करने दो। अपने दुश्मन को अपने पीछे मत आने देना। लीव विलेज सीक्रेट फिंगर जुत्सु। यार मैं ऐसे हार कैसे मान सकता हूँ? ये सच है, अभी तक सिर्फ कुछ ही बच्चे ये टेस्ट पास कर पाए हैं। तो अब तुम क्या करना चाहते हो? जानते हो ना, अगर मुझसे बेल्स नहीं छीन पाए तो लंच नहीं मिलने वाला। वो रियल है। नाइस। नारुतो के एक क्लोन से खुद को बदल लिया। ये सब जोनिन ने इतनी आसानी से किया, नारुतो बेवकूफ बन गया। उसने बेल गिरा दी। वो बेल। कोई भी चीज आसानी से मिले थोड़ी अक्ल लगाना। यही सही मौका है। पता नहीं तुम ये बात कब सीख।